हाय गाइस, मैं उशान, आपका स्वागत है फैट बुल में एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको कंगना रनौत का काम तो पसंद ही होगा। बॉलीवुड मतलब एक्ट्रेस में कोई अगर काम करता है धांसू धाकड़ जबरदस्त, तो भैया वो करती हैं कंगना रनौत। चाहे उनकी आप क्वीन फिल्म देख लीजिए, चाहे आप उनकी देख लीजिए मणिकर्णिका, सारी फिल्मों में वो छा जाती हैं। और फिल्मों में उनका कैरेक्टर भी मतलब होता है सेंट्रलाइज। देखा जाए आज का ज़माना मतलब पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ की फिल्में जो होती हैं मेन बेस्ड होती है, मेल एक्टर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसको मेन लीड मिलता है, ज़्यादा उसको फोकस मिलता है। लेकिन ऐसे में कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में अपना भौकाल बनाया हुआ है और जो भी फिल्में लिखी जाती हैं उनको सेंटर में रख के लिखी जाती है। हाल ही में उनका ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म का नाम था जजमेंटल लेके, जिसका नाम पहले मेंटल लेके आया था। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत की एक और मूवी पाइपलाइन में है जो आने वाली है, और उस फिल्म का नाम है धाकड़। जी हाँ, धाकड़। और धाकड़ का नाम जैसा है वैसा इसका काम भी है। इसका फर्स्ट लुक जारी हुआ है जिसे आप इसका पोस्टर भी कह सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इसको, धाकड़ लिखा हुआ है नीचे, धाकड़ बड़े बड़े फॉन्ट्स में, थोड़ा सा रस्टेड टाइप का फॉन्ट है। बैकग्राउंड देखिए आप, पोस्ट एपोकैलिप्टिक लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है यहाँ कोई मार धाड़ हुई है, कुछ ऐसा या जंग हुई है। और कंगना रनौत यहाँ पे अपने हाथ में दो मशीन गन लेके खड़ी हुई है, जैसे वो जंग के बीचों बीच है या फिर जंग खत्म कर दिया उन्होंने, ऐसा उनका कुछ लुक है। मतलब देखने में लुक देखिए क्या जबरदस्त बैडास लुक है उनका, लग रही है कि हाँ कोई बागी, कोई रिपेलियन या कोई मर्सिनरी है वो। एकदम से लग रहा है कि एक्शन और मसालेदार मूवी होगी जिसमें कंगना रनौत का एक एक्शन पैक रोल होगा। लेकिन आपको बता दें, इस फिल्म की कोई भी कहानी अभी रिवील नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिवील हुआ है ये फर्स्ट लुक, ये जो उसका पोस्टर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कंगना रनौत इसके अलावा एक और फिल्म कर रही है अश्विनी तिवारी की, उस फिल्म का नाम है पंगा, जिसमें वो एक कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका में है। वैसे बॉलीवुड में ऐसे स्पोर्ट्स को लेकर फिल्में तो बहुत बन गई हैं, चाहे आप देखिए मैरी कॉम देख लीजिए, चाहे आप दंगल वगैरह देख लीजिए। लेकिन भैया कंगना रनौत को ऐसे रोल में देखना बड़ा मजेदार होगा, एक कबड्डी खिलाड़ी के रूप में। वैसे भी हमारे भारतीय खेल जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और कंगना रनौत इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा कर जाएंगी। वैसे पंगा की बात तो बाद में करेंगे, इस साल वो पंगा तो लेंगे लेंगे, उसके अलावा उनकी फिल्म आ रही है जो धाकड़, वो तो गजब है यार। इस फिल्म के जो फर्स्ट लुक ने मुझे तो हिला कर रख दिया है। मतलब कंगना रनौत से ही ऐसी उम्मीद हो सकती है, वही ऐसी एक्ट्रेस है जो ऐसी सारी चीज़ें कर सकती है। वैसे हॉलीवुड बता दें ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइप के रोल कर चुकी हैं, एंजेलिना जोली जो उनकी फिल्म थी वांटेड वगैरह आपने देखा होगा, उसका भी कुछ पोस्टर इसी टाइप का था, उनके हाथ में मशीन गन थी, एक और पोस्टर में ऐसे गन थी। लेकिन कंगना यहाँ पे मतलब अलग हट के लग रही है, एकदम लग रहा है कि हाँ यार कोई मतलब इसमें क्रूरता भरी होगी, कुछ एक्शन ऐसा होगा जिसमें वो लग रहा है कि वो कुछ कर रही है। अब इसमें देखिए दो राय हो सकती है, या तो इस फिल्म में वो ग्रे शेड रोल में हो यानी वो तबाही मचा रही हो, या फिर ऐसा ये भी हो सकता है कि फिल्म में जो तबाही मचा रहा हो ये उसका सामना कर रही हो। खैर, जो भी स्टोरी अभी लीक नहीं हुई है, जैसे भी लीक होगी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट लुक ही जारी हुआ है, इसका पोस्टर इसका जारी नहीं हुआ फाइनल वाला, ना ही जारी हुआ है इसका कोई भी ट्रेलर या टीजर, जैसे ही जारी होगा हम बताएंगे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।